नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। सड़क हादसों से जुड़े कई मामले सामने आते हैं, कई लोग रफ्तार का शिकार होते हैं तो कहीं जानकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हाल ही में हुई फिरोजाबाद से दुर्घटना की वारदात सामने आई है जहां बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब आमने सामने से आ रही मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गई। थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत खाली पानी की टंकी के ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल सवार से भयंकर टक्कर हो गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को काफी चोटें आई हैं। घटनास्थल पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। आनन फानन में घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। मामला थाना रामगढ़ की पुलिस को सूचित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के दौरान ट्रैक्टर चालक अपना संतुलन खोकर ट्रैक्टर को बंबा नाले में गिराकर फरार हो गया था। ट्रैक्टर चालक की इस हरकत ने उसे शक के घेरे में ला दिया है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। घटना की सभी जानकारी वहां मौजूद भाजपा नेता द्वारा दी गई है। मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ धबरी से। ये मेरे क्षेत्र मेरी विधानसभा है। यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रैक्टर जो है बड़ी नशे में आ रहा था और इधर बाइक पे जो एक पलेदार है वो आ रहा था, अच्छा नाम है बाइक वाले का, तो इसने ट्रैक्टर वाले ने मार दी, तो जिससे वो बहुत भयंकर घायल हो गया। हमारे थाना रामगढ़ की पुलिस बहुत एक्टिव है। शिव शंकर वाजपेयी तत्काल प्रभाव से आ गए, उन्होंने उसको। जनपद फिरोजाबाद से अवधेश कुमार सविता अपने पद से स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारियों की आपत्तिजनक कार्यशैली से व्यथित होकर त्यागपत्र दे चुके हैं और अपने विचार एकता के आधार पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता के रूप में कार्य करने का संकल्प भी लिया है। अवधेश कुमार सविता ने अपना जीवन समाजवादी पार्टी की सदस्यता के रूप में समर्पित कर कार्य करने की भी घोषणा की है। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार सविता। किस पद पे हैं? मैं महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद। क्या कारण है जो आप अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं? इस समय जनपद फिरोजाबाद में जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अंदर ग्रुपबाजी चल रही है और वो पार्टी से जोड़ने की प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं है और वो दूसरों का सम्मान भी नहीं करते। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपमानित करते चले आ रहे हैं। इससे व्यथित होकर के मैं अपना इस्तीफा सौंप रहा हूँ और मैं आगे आशा करता हूँ कि हाईकमान इसके ऊपर ध्यान देगी और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो क्या है पार्टी को विकसित करने के आदेश देगी। क्या आपकी जिस दूसरी पार्टी में भी विलय होने के चक्कर में? जी नहीं। तो आपके पास से ऐसी क्या अवैधता करी गई? नहीं, ऐसा है कि मैं जो क्या है केवल सदस्य के रूप में ही काम करना चाहता हूं, तो मेरी जो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा उससे मेरे यहां के पदाधिकारियों से कोई मेल नहीं खाता। आगे कोई संदेश देना चाहते हैं आपके? नहीं, और कोई संदेश नहीं। मैं संकल्प लेता हूं और संकल्प लिया है कि मैं समाजवादी विचारधारा का होने के नाते समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता रहूँगा और उसमें काम करता रहूँगा। यही मेरा जो उद्देश्य है।